अबे यार, ये सुबह से नाश्ता बनाने का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि भाई ये मेरी कांताबाई गई है छुट्टी पे और आजकल नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा भाई मुश्किल टास्क लगता है मुझे। जी फ्रैंकलिन भैया, आज नाश्ता बहुत टेस्टी था। और यार सही बोला, बंदर ने आज बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया था। ओ फ्रैंकलिन भैया, वाकई में नाश्ता बहुत प्यारा था यार। अरे यार, जब मैंने बनाया होगा तो प्यारा तो होगा ही ना, तुम सबको पसंद आया ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हमको बहुत पसंद आया और मजा भी आ गई खा के। अरे यार दैट्स ग्रेट, अगर मजा आ गई तुम लोगों को खा के तो। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन बर्गर की कमी थी, अगर बर्गर और मिल जाता ना तो मजा आ जाती। हाँ हाँ सब कुछ बनाया, इतना सारा नाश्ता बनाया, सैंडविच बनाए, पास्ता बनाया, सब बनाया, जूस भी बनाया, उसके बाद तुझे बर्गर भी चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया कोई बात नहीं है, तो नूबला इसके चक्कर में मत पड़ा करे। वो सही बोला यार सिंचन, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। ओ फ्रैंकलिन भैया, वैसे नाश्ते से एक बात याद आ गई। अरे कौन सी बात याद आ गई चौक, तेरा दिमाग क्या में चल गया? ओ फ्रैंकलिन भैया, आजकल हमारा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा। अरे यार सही बोला चौप, तो चलो गाइस फटाफट से को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अरे ये मुझे कॉल किसकी, अरे रुक जाओ जरा, डॉग की कॉल आ रही है। अरे डॉक्टर जी क्या हो गया, क्यों फोन मिला रहे हो? तुम्हारे ताऊ भर्ती हुए हैं हॉस्पिटल में और वो तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें कॉल किया। जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर को मैं आओ, फटाफट से हॉस्पिटल में आके अपने ताऊ से मिलो। अरे हुआ क्या ताऊ को, ये तो बताओ। अरे यहीं पे आओ, फिर मैं तुम्हें सब समझाता हूँ कि क्या हो गया, कौन सी प्रॉब्लम आ गई। अरे ठीक है मैं आ लिया, आप टेंशन मत लो, बस तबीयत सही करो उनकी और जो भी दवाई ववाई में खर्चा वो सब मैं दे दूंगा। अरे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आओ तो समझ जाओगे खुद ब खुद, और ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे ठीक है आलिया, चलो सिंचन चौपो फटाफट से हमें चलना होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन चलना कहाँ है? अबे यार अपने ताऊ की तबीयत खराब हो गई है तो फटाफट से उन्हें देखने चलना पड़ेगा हॉस्पिटल में कि उन्हें क्या हुआ। ओ फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया ताऊ को? अरे यार ताऊ तो सबसे बढ़िया आदमी लगते हैं मुझे, उन्हें क्या हो गया? मुझे नहीं पता, डॉक्टर बोल रहा है वहीं पे आके मिलो तो वो बताएगा, ठीक है ना? अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, और ताई भी तो उनके साथ थी, वो कहाँ गई? अबे यार वो गई है पता नहीं दूसरे शहर अपने घर वालों से मिलने, चक्कर में ताऊ अकेले थे, अभी पिछली बार जब मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि अकेले हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया तो फिर जल्दी चलो यार, क्योंकि ताई भी नहीं होंगी तो उनके पास तो कोई होगा ही नहीं बेचारे, अकेले होंगे। अरे हाँ सिंचन बस चल रहे हैं, तो टेंशन मत ले, फटाफट से मैं तुम लोगों को पहुंचाता हूँ। आओ फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो, भगड़ा की गाड़ी भगाओ। अरे हाँ हाँ बस चल ही रहे हैं, तुम लोग टेंशन मत लो यार, फटाफट से पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। यार बंदर हॉस्पिटल अभी कहाँ आया? अबे यही तो है बगल में हॉस्पिटल पागल। यार अच्छा यही हॉस्पिटल है क्या, मैंने सोचा वो सामने वाले। अबे उसमें इमरजेंसी में जब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाए किसी की तो उसमें जाया जाता है, बाकी टाइम नॉर्मल में आदमी यही आता है। अरे फ्रैंकलिन भी जल्दी अंदर चलो। अरे हाँ आ जाओ फटाफट से चलते हैं, ताऊ को देखते हैं यार क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे ताऊ को। यार वही तो सबसे बढ़िया आदमी लगते हैं मुझे, और उनकी पिंकी सेटिंग कहाँ गई, वो नहीं आई क्या उनसे मिलना है? अरे फ्रैंकलिन भी अभी भी आपको पिंकी की लग रही है, जल्दी चलो यार, उनकी सेटिंग के बारे में बाद में पूछ लेना। अरे हाँ हाँ चल रहे हैं, टेंशन मत ले यार। अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए क्या, ये तुम्हारे ताऊ लेते हैं फालतू घबरा रहे हैं। अरे ताऊ क्या हो गया, क्यों टेंशन में हो? अरे बेटा फ्रैंकलिन तो एक का बताऊं बेटा, तबीयत खराब हो गई, उठ नहीं पा रहा हूँ। अरे ताऊ मैं तो हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आओ डॉग तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे हाँ फ्रैंकलिन मुझे भी तुमसे बात करनी है कुछ, आ जाओ जल्दी। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी चलता हूँ। अरे हाँ हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बताओ क्या दिक्कत हो गई सजा को हमारे। अरे फ्रैंकलिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तुम बात करके देखो किस चीज़ की इतनी टेंशन है उनको, हमें तो बता नहीं रहे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर है तुम्हें बता देंगे, बात करके देखो। अरे हाँ हाँ ठीक है मैं करके देखता हूँ, टेंशन मत लो आप। अरे फ्रैंकलिन भैया तो आपको क्या टेंशन हो सकती है? अबे यार सिंचन पता नहीं, चलो मैं डॉग बात करता हूँ उनसे, तुम बाकी देख लो दवाई ववाई का देख लो, जितना भी खर्चा हो मेरे को बता देना, मैं सारा पेमेंट कर दूंगा। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन वो तुम टेंशन मत लो, उसका बिल मैं तुम्हें भेज दूंगा। हाँ हाँ तो भेज देना, मैं उसका तो कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं फटाफट से ताऊ से बात करके देखता हूँ पता नहीं किस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई। अरे यार ताऊ तुम टेंशन मत लो, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाओगे। अरे अभी अठा फ्रैंकलिन तो है कहा बताऊँ, आजकल खेती में बहुत नुकसान हो रहा,
चोर आन लगे, चोरा के ले जा सामान, ट्रैक्टर भी ले जा, फिर छुड़ावे जाने परत पैसन में। अरे ताऊ इतनी सी प्रॉब्लम थी आपने बताया क्यों नहीं, मैं देखता हूँ खेती का टाइम, आप जरा आराम करो। अरे बेटा आराम से, ज्यादा दिक्कत में ना पड़िए। अरे यार ताऊ मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो सिंचन चौबक चलते हैं फटाफट से। डॉक्टर तुम देख लेना उसका काम, जो भी दवाई ववाई का खर्चा उसका पर्चा मुझे बना के भेज देना, तो मैं पेमेंट भिजवा दूंगा। अरे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे फ्रैंकलिन भैया तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं? आज सिंचन हम करने वाले हैं फार्मिंग, और तुम लोगों को भी मजा आएगा, तुम लोगों ने वैसे कभी करी नहीं होगी ना। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं कभी फार्म पे नहीं गया। अबे यार मैंने किया पहले, बहुत किया करता था छोटे में जब ताऊ के पास रहा करता था। आओ फ्रैंकलिन भैया कहाँ जाने वाले हैं? अरे आज हम जाने वाले हैं भाई मेरा फेवरेट काम करना है, खेती। अरे यार मैंने भी कभी खेती नहीं करी। हाँ हाँ चौप ने तो करी है, क्योंकि तू बहुत आलसी था ना, घर में पड़ा रहता था, ताई के पास एंजॉय करता रहता था। अरे यार तो क्यों, मैं जब छोटा सा बच्चा था और बहुत प्यारा भी था। हाँ हाँ प्यारा था ना, अब तो नहीं है। अरे यार नहीं नहीं अभी भी प्यारा हूँ, गलती से गलत निकल गया मुँह से, अभी भी तो प्यारा बच्चा हूँ। हाँ हाँ प्यारा, और तू पता नहीं किसको लगता होगा। अरे यार सबको लगता है, बता चौप मेरे भाई, मैं प्यारा नहीं लगता? आओ सही बोला यार बॉब, तू तो बहुत प्यारा लगता है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बॉब तो सही में प्यारा लगता है, ऐसा मत बोलो। हाँ हाँ तुम लोगों को लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता भाई। अरे क्या करा जाए, जलने वाले जलते रहते हैं और खूबसूरत लोग चमकते रहते हैं। हाँ हाँ खूबसूरत लोग, आ जा फटाफट से, खूबसूरत लोग कहेंगे, चलते हैं फटाफट से। मैंने भाई बुलाया है मियाँ को भी अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि भाई मेरे को हेल्प चाहिए वहाँ पे, ऐसा अकेले तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे ताऊ की भैंसे भी हैं। हाय मियाँ आ गई क्या तुम? अरे हाँ फ्रैंकलिन आ गई, तुमने बुलाया था तो और मैं नहीं आती, ऐसा हो सकता है क्या? अरे वो सब तो ठीक है, ये इतने सारे पैकेट किस चीज के हैं? अरे फ्रैंकलिन मैं आ गई थी तो मैंने सोचा खाना भी पैक कर लेंगे, वह फार्म पे कहाँ खाना मिलेगा और फिर तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अरे तो ठीक है, खाना पैक करना था तो इट्स ओके, वो हम बाय भी कर लेते हैं अभी चलते टाइम। और इतना सारा खाना? अरे हाँ मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, जैसे चॉप की पसंद का पिज्जा है, फ्रैंकलिन तुम्हारी पसंद की वो है क्या बोलते कढ़ाई पनीर भी बनाई है, और सिंचन के पसंद का फूड भी बनाया है, और बॉब के पसंद का बर्गर भी बनाया है। अरे यार मियाँ दीदी आपने बहुत अच्छा काम किया, मजा आ गई, बर्गर ही बर्गर खाऊंगा। वो सब तो ठीक है, तुम ऐसे कपड़ों में चलने वाली हो क्या? अरे हाँ क्यों क्या हुआ? अरे अगर ऐसे कपड़ों में जाओगी तो फार्म पे जो काम कर रहे होंगे वो तो मैं ज्यादा देखेंगे, काम तो करेंगे नहीं। अरे ठीक है तो फिर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ एक सेकंड में। अरे हाँ हाँ जल्दी आना। अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि यार कपड़े अगर नहीं चेंज करूंगी तो फार्म पे जो लोग होंगे वो तो मुझे ही देखते रहेंगे, चलो फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। A few moments later. अरे फ्रैंकलिन कहाँ हो, मैं चेंज कराई? अरे यहाँ तो फ्रैंकलिन है नहीं, अरे लग रहा है खाना लोड कर लिया होगा गाड़ी में और रेडी हो रहा होगा बाहर, प्रिपेयर कर रहा होगा, चलो फटाफट से बाहर ही चल के देख लेते हैं, वहीं से डायरेक्ट चल लेंगे, पहली बार मैं भी फार्म पे जाऊंगी, आज तक कभी नहीं गई, मजे आ जाएंगे फार्म पे तो। अरे चले क्या हो गई क्या रेडी? अरे हाँ हाँ रेडी नहीं लग रही क्या? हाँ ये कपड़े सही लग रहे हैं थोड़ी, इसमें तो मैं कम लोग देखेंगे देखेंगे तो, इसमें भी चलो फटाफट से चलते हैं। अरे अब मैं क्या करूँ, देखेंगे तो, अब मेरे पास यही क्लोथ्स है जो यहाँ पे तुम्हारे घर पे रखे थे। अरे ठीक है बैठ लो गाड़ी में, फटाफट से चल लेते हैं। अरे फ्रैंकलिन भी जल्दी भगाओ गाड़ी क्योंकि मुझे भी फार्म पे जाना है। अरे हाँ छुटकू से सिंचन फटाफट से चल रहे हैं यार फार्म पे, तुम लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अरे यार वो सब तो ठीक है, मेरे को तो बर्गर खाने हैं जो मियाँ दीदी ने बनाए हैं। हाँ हाँ खा लेना, अभी तो भाई फार्म पे पहुँचे ही हैं, अभी भूख लगाई क्या? अरे यार यहाँ पे भी तो सोचे मिल रहे हैं, इसके पास बर्गर मिलते हैं क्या? हाँ हाँ इसके पास भी बर्गर मिलते हैं, इनकी दुकान मतलब बहुत पहले की, जब मैं छोटू सा हुआ करता था तब से, और ये हमारा फार्म है। फटाफट से चलते हैं इस फार्म पे और देखते हैं क्या क्या काम बचा है। यार ताऊ इतने ज़्यादा परेशान क्यों है, और कौन आदमी है जो ताऊ के सामान चुरा रहे हैं बार बार, उसके बाद पैसे मांगते हैं उनसे? अरे फ्रैंकलिन भैया उन सबको तो अपन समझ लेंगे। अरे हाँ सिंचन उनकी कोई टेंशन नहीं है, ये यार हमारा ट्रैक्टर भी खड़ा है पुराना वाला, इसको ताऊ ने पेंट करा लिया फिर से, चलो फटाफट से गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देते हैं आराम से, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरी गाड़ी बीच रोड में खड़ी रहे और यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत पतली पतली रोड है यार, और ट्रैक्टर वैक्टर आते रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे। अरे फ्रैंकलिन भैया तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं देखो खेती का काम, और मियाँ संभालेगी भाई जाके गायों को, और मतलब जो भी वहाँ पे है उस साइड पे, और दूध निकालेगी। अरे ठीक है
फ्रैंकलिन में निकालती हूँ, दूध में संभालती हूँ गैयों को, ये तो मेरा फेवरेट काम है। पहले मैं जब फार्म पे रहा करती थी ना अपनी नानी जी के साथ, तब मैं निकाला करती थी दूध। अरे फ्रैंकलिन भैया, तो फिर मैं फटाफट से ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो जाता हूँ। अरे हाँ हाँ हो जा यार सिंचन, तुझे मना किसने किया, फटाफट से ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो जा और हम भाई कॉप्स डालते हैं यार खेत में। अरे फ्रैंकलिन भैया, वैसे हमारे पास सीड का है क्या? अबे हमारे पास सीड हम हाथ से नहीं डालते, इस मशीन का मतलब यही काम होता है कि मतलब सीड फील्ड में फिल करना काम होता है, उसके बाद वाटरिंग करने के लिए ये टाउन रख रखे हैं आदमी, ये वाटरिंग कर देंगे, उसके बाद भाई वो जब कॉप बनकर तैयार हो जाएगा तो हमें फिर उससे हार्वेस्टर से अपनी ट्रॉली में उसको डालना होगा, उसके बाद भाई हमारी जब ट्रॉली भर जाएगी तो हमें जाके इसको बेचना होगा। बेचने के भी दो तरीके हैं, एक हम मार्केट में बेच सकते हैं, एक हम मतलब बेच सकते हैं यहाँ पे एक इंसान है जो मतलब खरीदता है यहाँ पे क्रॉप्स और फिर वो जाके मार्केट में बेचता है, तो ऑब्वियसली बात है वो मार्केट से थोड़ी कम प्राइस में लेता है, लेकिन उसको बेचना भी सही रहता है। जैसे ज़्यादातर टाइम हम उसी को बेचते हैं क्रॉप्स, क्योंकि भाई हम उतनी दूर तक जाके बेचना नहीं कर सकते काम। 2 hours later. चलो गाइस, तो फाइनली बस लास्ट लाइन बची है जहाँ पे कॉप्स लगाने हैं, उसके बाद भाई हमें इंतजार करना है पेड़ कब निकलेंगे। अबे ये आदमी हमारे ट्रैक्टर के पास क्यों आ रहा है सिंचन? जी फ्रैंकलिन भैया, कहीं ये वही बुड्ढा तो नहीं है जो हमारे ताऊ का सामान चुरा के ले जाता हो फिर उनसे पैसा मांगता हो? अबे सिंचन लग तो ऐसा ही रहा है। अबे यार उसने तो मुझे उतार के फेंक दिया। उरा खारा, तो ट्रैक्टर लेके चलाएगो? रुक जा बेटा, मैं चलाते हो ट्रैक्टर लेके, अब आके पैसा लेके आइए और ट्रैक्टर ले जाइए। अच्छा तू मुझे इतना शरीफ समझ रहा है क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया इसको जरा निपटा दो, बहुत ज्यादा शरीफ समझ रहा था आपको। अबे यार ये मुझे ताऊ जैसा शरीफ समझ रहा है भाई, मैं अब ताऊ का वो बेटा नहीं रहा पुराना वाला जो भाई बिना गन वन के रहा करता था, मैं माफिया मैन बन चुका हूँ यार, मेरे पास गन क्या, मेरे पास हर चीज है। अरे फ्रैंकलिन भैया, वैसे हमें इस करने की जरूरत थी क्या? हम दूसरों से भी तो करवा सकते थे। अबे यार सिंचन, ये काम करने में मुझे बहुत मजा आता है इसलिए मैंने खुद किया। फटाफट से देखते हैं कहीं रह तो नहीं गया। हाँ अभी लास्ट फील्ड रह गई है, और ये देखो पेड़ छोटे छोटे से निकलना स्टार्ट हो गए ना, ये जब निकल आएंगे तो हम इनको फिर निकाल के मतलब काट के और इनको फिर बेच सकते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, हम कहाँ बेचने चलेंगे, मार्केट में बेचने चलेंगे कि अंकल को बेचेंगे? अबे देख, हम वैसे ज़्यादातर टाइम अंकल ही को बेचते हैं, तो आज भी अंकल ही को बेच देंगे, बाद में फिर कभी मार्केट बेचने चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमें बहुत दिन तक यही काम करना पड़ेगा ना। अरे फ्रैंकलिन भैया, जब तक तक उसे नहीं होते जब तक हम ये काम कर सकते हैं क्या? ओ फ्रैंकलिन भैया चलो फटाफट से यार, अब ट्रैक्टर खड़ा कर दो फटाफट से, मियाँ दीदी के पास चलते हैं, उनको भी देखते हैं कहीं परेशान तो नहीं हो रही, भैंसे और गैया बहुत है ताऊ के पास, अकेले संभालने में परेशान हो जाती थी ताई भी। अरे यार वो मियाँ कर लेगी, वो बोल रही थी कि अपनी नानी के साथ पहले वो रहा करती थी और क्या करती थी। फटाफट से मैं वाटरिंग स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, जिससे वाटर लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक वाटरिंग का सिस्टम लगवा लिया था उन्हें, पहले नहीं था। पहले भाई वो हमें वो नहीं होता, वो प्लांट में वाटर डालने वाला एक टूल होता, उसको पकड़ के फिर डालना पड़ता था सब चीज़ों में। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो फटाफट से मियाँ दीदी के पास चलते हैं, देख के आते हैं वो क्या कर रही हैं। ओ फ्रैंकलिन भैया सही बोला, अरे यार जल्दी चल और उसके बाद फिर आके बर्गर भी खाएंगे क्योंकि भूख लगाई है। सही बोल रहा है यार, काम करते करते दोपहर हो गई, भूख तो मुझे भी लग रही है, तो चलो फटाफट से मियाँ को भी बुला के लाते हैं, फिर साथ में खाना खाएंगे, उसके बाद भाई जब तक क्रॉप्स भी तैयार हो जाएंगे, मतलब क्रॉप्स नहीं भाई जो भी है वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसको खा लेंगे। 2 hours later. अरे यार गाइस मैं भूल गया भाई खाना खाते टाइम रिकॉर्ड करना यार, और भाई ये भूल गया कि मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, और मैंने भाई सामान लोड कर लिया सारा। अब कोई बात नहीं भाई, सामान लोड हो गया है, फटाफट से और अपना भर लेते हैं भाई, जितना भी भर सकते हैं। अभी सिर्फ 60-70% फुल हुआ है, तो हम एक बार में सिर्फ 100% ही फुल करके जाके इसको बेच सकते हैं। मतलब ये थोड़ी हमारे पास छोटी ट्रॉली है, पता नहीं ताऊ ने अभी तक बड़ी ट्रॉली क्यों नहीं ले पाई। हम अभी पैसा खर्च करेंगे थोड़ा सा और एक बड़ी ट्रॉली खरीद देंगे ताऊ के लिए, जिससे भाई हमारे ताऊ एक बार में पूरा फील्ड का सामान जाके बेच पाएँ। तो हमारा 100% फुल हो गया है, फटाफट से इसको चल के बेचते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया बेचने कहाँ चलना है? अबे सिंचन मैंने बताया था ना तुझे कि बगल में ही खरीदता है एक आदमी, उसको ही हम डायरेक्ट बेच देते हैं, उसके बाद भाई हम वो जाके मार्केट में बेच देता है। अरे फ्रैंकलिन भैया मार्केट भी तो चल सकते थे। अरे यार सिंचन मार्केट हम बाद में चलेंगे, क्योंकि भाई अभी टाइम नहीं है मार्केट चलने का, फटाफट से उसी को बेचते हैं, फिर बाद में कभी चलेंगे तो फिर मार्केट चल के बेच लेंगे। आओ फ्रैंकलिन भैया सही कहा आपने। हाँ तो फिर फटाफट से चलते हैं और सामान को बेचते हैं, क्योंकि भाई ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि इसमें सामान बहुत ज़्यादा लोड हो चुका है। अरे यार लेकिन बंदर ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा होके मज़ा बहुत आ रही है। हाँ भाई सही है, मज़ा आ रही है, तो चिल करो।
फ्रैंकलिन भैया अब हमें क्या करना होगा? अबे अब हमें सिंचन कुछ नहीं करना होगा, बस अपनी ट्रॉली को एक सही डायरेक्शन में खड़ा करना होगा और उसके बाद भाई ट्रॉली को अनलोड पे लगा देना होगा तो वो ऑटोमेटिक अनलोड कर देगी। अरे फ्रैंकलिन भैया ऑटोमेटिक वाली है क्या? हाँ सिंचन ऐसी ऑटोमेटिक वाली है, देखो अनलोड हो गया ना। अरे फ्रैंकलिन भैया मजा ही आ गई, पैसा कितना मिला? हमें इसको बेच के मिले हैं $2,000 और $44 भाई, मतलब मुझे मिले हैं $2,000 उसमें जाएंगे हमारे फार्म वाली मनी में जो कि ताऊ के पास पहुंचेगी डायरेक्ट ताऊ के अकाउंट में। अरे फ्रैंकलिन भाई ये तो बढ़िया है यार। हाँ यार सिंचन ये काम मस्त लगता है मुझे, जैसे अभी हमें यहाँ पे $2,048 मिले जो तो मतलब 48 मुझे मिले, 44 मुझे मिले, बाकी सब गए फार्म में, और अगर हम जाके मार्केट में बेचते तो मार्केट में पूरा पैसा मुझे मिल जाता, फिर मुझे जाके बैंक में जाके खाते में डालना पड़ता, इसलिए मैं मार्केट नहीं गया था। अरे फ्रैंकलिन भैया यार सही बोला, तो चलो गाइस फटाफट से और भी सामान भरते हैं। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना तुम लोगों को फार्मिंग पसंद है कि नहीं और कभी तुम फार्म पे गए हो कि नहीं। बाकी तुम लोगों को अगर और वीडियो चाहिए भाई इस फार्मिंग के बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं फार्मिंग वाली सीरीज में और वीडियो बनाऊंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम कहीं आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। फ्रैंकलिन भैया मुझे सुसु आइए जल्दी उतारो यहां से। Fearless.